राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंदौर में कांग्रेस ने विजय यज्ञ का आयोजन कर 101 मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुति दी ताकि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। देखिए इस खास खबर में। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस की बेचैनी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। दरअसल बुधवार पूरे देश में मतगणना होनी है और शाम तक साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। जनता तो जनादेश दे चुकी है जो ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी विश्वास है कि यज्ञ कर वो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, जिससे कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा ही कुछ नजारा इंदौर में देखने को मिला जब कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव की अगुवाई में एक विजय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस की जीत। इस दौरान कई मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे। जरा आप भी देख लीजिए राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए कैसे हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही है। राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने और देश में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर आज हमने यहाँ पर बंडरीनाथ भैरूनाथ प्राचीन मंदिर पर महायज्ञ किया। साथ ही श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री पंकज संघवी जी भारी मतों से विजय हो, उनकी जीत हो। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी है। ऐसे में अब कांग्रेस जनता के बाद भगवान को खुश करने में लगी है ताकि राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।